गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7th में तीसरा लेसन पढ़ा था स्वावलंबन। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये पहला है जिसे उच्चारण कृत। इसमें आपको बस उच्चारण करना है बोलने के लिए, और आगे वाली जो भी एक्टिविटी है वो आपको नोटबुक में फिल करनी है, नोटबुक में करना है उसको, और याद भी करना है जो करवा रही हूँ, ठीक है। कि कस्य भवने सर्व विधाने सुख साधनानि आसन। कस्य यानी किसके भवन, लेसन पढ़ा था उसमें किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, तो किसके घर में थे, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के, ठीक है। फिर आगे वैसा का वैसा आ जाएगा, भवने सर्व विधाने सुख साधनानि आसन, कि श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है, तो कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ते गृहे को अपि भृत्य नास्ति, कि कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है, भृत्य यानी नौकर। श्रीकंठ से आतिथ्यम क्या कुर्वन, यानी श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया, तो श्रीकंठ से आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन, यानी कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख होता है, स्वावलंबने यानी जब आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो वहाँ सुख ही सुख है, तो स्वावलंबने सर्वदा सुखम। आगे है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा आगच्छत्। श्रीकंठ है जो कृष्णमूर्ति के घर कब आए, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम प्रातः 9 वादने यानी सुबह 9 बजे आए थे। कृष्णमूर्ति कति कर्म करा सन्ति, कृष्णमूर्ति के यहाँ कितने नौकर है, 8 यानी 8, ठीक है। अब ये वाला है जो आपको नोटबुक के अंदर ही फील करना है। चित्रों को गिनकर संख्यावाची शब्द लिखने हैं संस्कृत में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, तो 18 को क्या कहते हैं, अष्टादश। 8 को अष्टा बोलते हैं, फिर आगे 10 लगा दिया तो 18 10, अष्टादश, सॉरी अष्टादश। अब ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 7 × 14, 7 × 21, 21 है, ठीक है। तो 21 को क्या बोलते हैं, 21, 1 के लिए 1, 20 के लिए विंस्ति, 1 विंस्ति, ठीक है। अब इसमें है 15, 15 को क्या बोलते हैं, 5 को पंच, फिर आगे 10 लगा दो, पंच 10, ऐसे ही। बारह एक में, तो 12, 12 × 24, 12 × 3 = 36, 36 में 6 को क्या बोलेंगे, षट, फिर 3 के लिए त्रिशत, षट त्रिशत, फिर आगे है 8 है एक में, तो 8, 8 × 16, 8 × 24, 24 को क्या बोलते हैं, चतुर्विंशति, 4 के लिए चतुर्विंशति, ठीक है। फिर है आगे 11, 11 × 22, 33, 33 के लिए त्रिशत, क्या हो जाएगा, त्रिशत। ये आपको नोटबुक के अंदर, सॉरी बुक के अंदर फिल करना है। फिर आगे देखो, आगे है मंजूषात अंगानाम कृते पदानि चित, यानी अंकों के लिए मंजूषा से शब्द, अंकों के लिए मंजूषा से शब्द चुनने हैं। चतवारी सत यानी 40, सप्तविंशति 27, 31 = 31, 50 = 50, 28 = 28, 30 = 30, 24 = 24 यानी 24, ठीक है। अब देखो आगे 28 28 के लिए क्या लेंगे, इसमें से 28 = 28, 27 के लिए 27 = 27 यानी 27, 30 के लिए 30 शत, 31 के लिए 31 शत, 24 के लिए चतुर्विंशति, 40 के लिए चतवारी सत, 50 के लिए 50 शत। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि, यानी चित्र को देखकर और मंजूषा से शब्द प्रयोग कर वाक्य की रचना करनी है। ये मंजूषा दिव्य है, इनमें से हमें वाक्य बनाने हैं। पहला है कृष का, तो कृष का से जैसे
ऐसे कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत को जोतता है। ऐसे यानी यह, फिर कृषकः क्या ले लेंगे, कृषकः, फिर क्षेत्रम कर्षति यानी किसान है जो खेत को जोत रहा है। अब है ये पीछे दोनों, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि दोनों के लिए एतो यानी ये दोनों, फिर किसका यूज करेंगे, कृष को, दो आ गए ना इसलिए कृष को आ जाएगा, ए तो कृष को, फिर एतत किस कृष को खनन कार्यम यानी खोदने का कार्य, कुरुता यानी कर रही है, ए तो कृष को खनन कार्यम कुरुत, ये दोनों किसान खोदने का काम करते हैं। अब ये पीछे वाले तीन है ना, बहुत सारी संख्या में आ गई इसलिए एते का यूज हो जाएगा, एते फिर कृषकः, ये सब किसान धान्यम रोप यन्ति, ये सब किसान धन रोपते हैं, एते कृषकः धान्यम रोप यन्ति, ऐसे कृषकः धान्यम रोप यन्ति। आगे वाला क्वेश्चन, अब आगे अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, समय बताना, जैसे 10:30 हो गए तो 10:30 के लिए अपन पहले सार्ध का यूज करेंगे, ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम। अब 5 बजे हैं तो 5 के लिए पंच, फिर आगे लिख देंगे वादनम, पंच वादनम। 7 है तो 7 के लिए सप्त, फिर वादनम। 3:30 है तो 3:30, 3:30 हो गए तो 3:30 के लिए सार्ध, जैसे ये यूज करेंगे सार्ध, फिर 3 है तो त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। 2:30 है तो सार्ध द्विवादनम। 9 बजे हैं नववादनम। 11 है एकादश वादनम, 12:30 सार्ध द्वादश वादनम, 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, 8 अष्टवादनम। 1:30 बजे हैं तो सार्ध एक वादनम, 7:30 सार्ध सप्त वादनम, ठीक है, ये समय लेखन है। अब है आगे वाला, रिक्त स्थान भरने हैं, रिक्त स्थान, मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, ऋत्वा भवन्ति, ऋतु कितनी होती है, षड, 6 होती है तो 6 लिखेंगे, षड। मासा भवन्ति, मास कितने होते हैं, महीने 12 होते हैं ना, जनवरी से लेके दिसंबर तक। एकस्मिन मासे है, एकस्मिन मासे एक महीने में, अथवा दिवसा भवन्ति एक महीने में क्या होते हैं, त्रिशत, अथवा दिविशा, एक महीने में त्रिशत यानी 30, अथवा एक त्रिशत दिवसा भवन्ति यानी 30 भी होते हैं और 31 दिन भी होते हैं। फरवरी मासे, फरवरी माह में सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं सामान्य, 28 यानी 28। मम शरीरे हस्तो स्तः, मेरे शरीर में हाथ है, कितने हाथ है, दो, दो हाथ है। लेसन है जो कंप्लीट हुआ है, ये जो एक्टिविटी बताई है वो आपको नोटबुक के अंदर करनी है और ये आपका होमवर्क है कि लेसन कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।